नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15-16 मार्च राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी बैंकों में नकद निकासी, जमा, चेक क्लियरेंस, कारोबारी लेन देन जैसे बहुत से जरूरी काम ठप रहे। वहीं स्ट्राइक यूनियन ने अब चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन आखिर इस हड़ताल की वजह क्या है, आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज हैं? सवाल आपका में आज इस पर करेंगे चर्चा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के भाषण के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार इस साल 2 सरकारी बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। पिछले 4 साल में 14 सार्वजनिक बैंकों का विलय भी किया गया है। इसके बाद फिलहाल देश में अब 12 सरकारी बैंक हैं। वहीं 2 बैंकों का वित्त वर्ष 2021-22 में निजीकरण होने के बाद इनकी संख्या 10 रह जाएगी। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 15 और 16 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहा। 4 दिन तक लगातार बैंक के बंद रहने से देश को बड़ी आर्थिक चोट लगी है। सरकार के साथ साथ आम आदमी के कामकाज भी अटके, लेकिन आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार राजस्व को बढ़ाना चाहती है और उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं पर करना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने निजीकरण के लिए मझोले आकार के 4 बैंक शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहले बताते हैं आपको कि वो कौन कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हेडक्वार्टर है और मुंबई हेडक्वार्टर वाले इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। 1969 में सरकार के स्वामित्व में ये आया था। पूरे भारत में 5000 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। भारत के अलावा बैंक 18 अन्य देशों में भी मौजूदगी रखता है। लगभग 50,000 कर्मचारी इस बैंक में कार्यरत है। तो बैंक ऑफ इंडिया ये वो बैंक जिसे शॉर्टलिस्ट किया है सरकार ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3 फरवरी 2021 तक 1.5 करोड़ ग्राहक थे पूरे भारत में। 1874 इसके ब्रांच है। औपचारिक तौर पर सितंबर 1935 में रजिस्टर्ड हुआ। 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसे भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 13,000 कर्मचारी कार्यरत है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। बैंक की स्थापना 1937 में हुई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। दिसंबर 2020 तक बैंक की पूरे भारत में 3,219 शाखाएं थी। 6 विदेशी फॉरेन ब्रांच और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं और 26,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इसके अलावा जो चौथा बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। ये भारत का पहला कमर्शियल बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों के लिए स्वामित्व वाला और भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है और इसके पूरे देश में 4,659 ब्रांच है। ये भी 1969 में सरकारी बैंकों में शामिल हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 कर्मचारी है। इसके अलावा जिन बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा गया है वो ये 6 सरकारी बैंक हैं। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, तो 6 सरकारी बैंक जिन्हें निजीकरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। लेकिन जिन बैंकों को निजीकरण के दायरे में लाया गया है उनके निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर रहे। राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल थी और इसका बड़ा असर जो है वो देखा गया है। तो आखिर निजीकरण की राह पर क्यों हैं बैंक और क्यों हो रहा है इसका विरोध? क्यों बैंक कर्मचारी इसे मानते हैं कि ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों के ही अहित में नहीं है बल्कि देश और देश की जनता के भी अहित में है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर जो इस वक्त सभी के जहन में उठ रहे हैं। सरकार आखिर क्यों कर रही बैंकों का निजीकरण?
बैंकों के निजीकरण से फायदा या नुकसान? क्या खाता धारकों पर भी पड़ेगा बैंकों के विलय का असर? बैंकों के निजीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या होगा प्रभाव? आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय, सुझाव या आपके जहन में कोई भी बात उठ रही हो इस विषय से जुड़ी, उसे सीधा हमसे साझा कर सकते हैं और जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं और पा सकते हैं अपने सवालों का जवाब, जो देंगे आपको जानकार और जिम्मेदार। तो बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारी जो है हड़ताल पर रहे, बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल रही और इस बीच देश को हजारों करोड़ का नुकसान जो है वो भी देखना पड़ा। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतियों को लेकर जो विरोध हो रहा है वो कितना सही है और क्या सोचते हैं इसके बारे में जानकार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र कुमार सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सुरेंद्र कुमार जी से जानना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रही बैंक कर्मचारियों की जो कि निजीकरण के विरोध में रही, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कितना मानते हैं कि सही है उनका ये विरोध या फिर बेकार ही वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो वो आगे तक का सोच करके चल रही है, भविष्य को देखते हुए वो योजनाएं बना रही है, कदम उठा रही है। क्या लगता है कि सरकार की सोच सही है या ये विरोध सही है? हमारा विरोध मैडम बिल्कुल सही है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जो सरकारी बैंक इस समय है वो सरकारी बैंक नहीं थे 1969 से पहले जी। ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस कारण किया गया था, इस बात पर हमें पहले समझना होगा, क्योंकि 1969 से पहले कोई भी सरकारी बैंक नहीं था, सभी प्राइवेट बैंक थे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये एक बहुत बड़ा कारण देखा था कि भारत देश की तरक्की नहीं हो रही थी, कोई खुशहाली नहीं आ रही समाज में, उसका कारण ये था कि जो प्राइवेट बैंक थे वो बड़े बिजनेस घरानों को लोन देते थे। वो करते क्या थे कि पैसा जमा तो आम आदमी का होता था, हर आदमी पैसा दो ही जगह जमा कर सकता है वर्ष में, या तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर सकता है या बैंकों में जमा कर सकता है। तो आम जन जो है पैसा उसमें आम जन का पैसा जमा होता था, लेकिन ऋण की जो सुविधा है वो केवल बिजनेस घरानों को मिलती थी, टाटा बिरला या अडानी अंबानी तो आपके नाम है, पुराने नामों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखते हुए कि आम आदमी को ऋण उपलब्ध वहां से नहीं होता था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका कारण ये था कि देश की इकोनॉमिक जो आज आप देश देख रहे हैं, जो आप देश की इकोनॉमिक पोजिशन देख रहे हैं, हम बैंक वालों ने ही राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इसके इसका एक बड़ा कारण है। कारण इसलिए है कि जो हरित क्रांति आई, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आई, जो ट्रैक्टर आज देख रहे हैं आप, जो छोटे दुकानदार को लोन देख रहे हैं, जो एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर इकोनॉमी का बना हुआ है, वो सब हमारे बैंकों का जो ऋण लिया उससे उसका योगदान है। जो प्राइवेट बैंकों की बात आप कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक सबसे पहला प्राइवेट बैंक 1992 में बना था और प्राइवेट बैंक ने 1969 से लेकर 1992 जबकि आजादी के समझो 50 साल तक जो योगदान रहा वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का रहा। अब जो सरकार कदम ये उठा रही है इस बैंकों को प्राइवेट करने का, बिल्कुल हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और ये किसी के भी हित में नहीं है। आज जो दम नो यूनियन 10 लाख बैंक कर्मचारी सड़कों पर हैं, वो हम अपनी मांग के लिए नहीं है, हमारे कुछ सैलरी बढ़वाने की डिमांड नहीं है जी। हम कुछ तनख्वाह नहीं बढ़वाने के लिए सड़क पर आए हैं। हम जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वो जनता के हित में कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो जुड़ी है, आम छोटा दुकानदार, किसान, मजदूर जो बैंक से जुड़ा हुआ है, उसकी बैंक से दूरी वही बढ़ जाएगी जो 1969 से पहले वाली पोजीशन है जी। तो इसलिए हम उसका विरोध। सुरेंद्र जी, यानी कि आपने जो कुछ यहाँ पर अभी बताया, जो पूर्व पृष्ठभूमि आपने रखी कि पहले ये बैंक जो थे सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं थे, ये प्राइवेट बैंक थे, लेकिन इनका जो है राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया ताकि आम आदमी को जो है इनसे फायदा पहुंच सके, लेकिन अब इसके उलट हो रहा है। पहले देश की इकोनॉमी को और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए और इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन अब इनका निजीकरण हो रहा है। सरकार का तर्क है कि विनिवेश से जो है वो पैसा जुटाएगी और जो योजनाएं हैं आम लोगों के हित की, देश के विकास के लिए, उन पर वो खर्च करने वाली है। ये कितना तर्क सही है, इस पर मैं बात करूंगी आपसे।
एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से, दिलीप पांडे। दिलीप जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। विनीत मरवा जी, विनीत जी माफ कीजिएगा जी, जी विनीत जी। हाँ जी मैडम, ये हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए अपनी बात। हाँ हाँ जी मैडम, ये मतलब इससे करने से मतलब जो पहले क्योंकि इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी वजह से किया गया था कि ताकि ये अपनी ग्रोथ पे मतलब इंडिया में या इनके बाहर जो होगा उसमें मतलब ये हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको विनीत जी, कहें। चले लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है इस वजह से उनकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे वो हम उसका भाव जरूर समझ गए हैं। उनके कहने का भी अर्थ यही था कि पहले राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ाने के साथ साथ एक आम इंसान को भी राहत दी जा सके, जैसा कि अभी सुरेंद्र सैनी जी हमें बता रहे थे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देशवाल जी जुड़े हैं बहादुरगढ़ से, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो सरकार सब चीजों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेट कर रही है, जो सरकारी जो पहले सरकारें जो उन्होंने सरकारें इसलिए बनाई थी ना ये सरकारी व्यवस्था ताकि हर आदमी सरकार से जुड़ जाए, ऐसे तो ये निजीकरण हो जाएगा सबका और सरकार रह जाएगी, फिर सरकार की क्या जरूरत है, सरकार की जरूरत ही नहीं फिर तो जी। हर आदमी जुड़ जाता, सरकारी नौकरी किसी को मिल जाए, सरकारी अभी पेंशन उन्होंने बंद कर दिया सरकारी सर्विसों में, और अभी तो ऐसे सरकारी पेंशन की वजह से आदमी सरकारी सर्विसों में जाते थे और सरकार से जुड़ जाते थे अपनी हिस्सेदारी समझते थे। देशवाल जी, लेकिन सरकार कह रही है कि विनिवेश से जो पैसा आएगा वो आगे देश के विकास पर ही खर्च किया जाएगा, तो सरकार नहीं, 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 वो जो सरकार के कह रही है ना ये बात, वो जो चुने हुए आदमी जो गए हैं वहाँ पर बैठे हैं वो कह रही है इस बात को कि वो काम आएगा, लेकिन वो किसी का काम ही आएगा, उनके ही काम आएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन जब हर आदमी सरकार का हिस्सा हो जाता है सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ के तो उनसे उनको दिक्कत हो रही है, समझ सकिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देशवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय शहरावत जी जुड़े हैं, इस पर जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, अभी आपने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी बात भी सुनी और जो हमारे साथ में वाइस प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सैनी, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है सरकार को उन बैंकों का निजीकरण करने की जो जिनका राष्ट्रीयकरण किया ही इसलिए गया था ताकि राष्ट्र को फायदा हो और आम आदमी को फायदा हो? देखिए सुरेंद्र जी ने खुद ही कहा कि इन बैंकों को निजीकरण ही सिर्फ इसलिए किया गया था कि लोगों को फायदा पहुंचे, लोग इकोनॉमी तक कनेक्ट हो। इन्होंने सही कहा, 1969 के बाद बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई जिनमें निजीकरण किया गया, क्योंकि 1962 में चाइना इंडो वॉर थी, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, कंट्री एक इकोनॉमिकल करंसी जा रहा था, तो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में उन्होंने कहा कि बैंक को हम निजीकरण कर देते हैं और इसको अंदर ले आते हैं, मतलब नेशनलाइज कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि 40 करोड़ खाते जनधन के जो बैंक से लोग जुड़े हैं वो तो अब जाके बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। आज किसान सम्मान निधि डिजिटली जाती है, इससे पहले तो कभी जाती नहीं थी, पहले भी बैंक से इतनी ही दूरी थी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भारत की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ही इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन अगर आज की डेट में अगर भारत की ही ग्रोथ में अगर ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो ऑफकोर्स निजीकरण करा जाएगा। एक बैंक जो सिर्फ लॉसेस बियरिंग इंडस्ट्री बन चुका है, एक जो पीएसयू बैंक सिर्फ लॉस क्रिएट करे जा रहे हैं, आपको लगता है कि लॉस बियरिंग इंडस्ट्री को संभालना क्या सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज अगर बैंक के खाते आप देख लें, इंडियन ओवरसीज बैंक 8,587 करोड़ के लॉसेस में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3,121 करोड़ के लॉसेस में, कैनरा बैंक 1986 करोड़ के लॉसेस में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1256 करोड़ के लॉसेस में, ये जो इतने करोड़ों की फिगर आप लोग सुनते हैं, इतने इतने हैवी लॉसेस की फिगर आप सुनते हैं, ये करोड़ों, लेकिन ये लॉस आखिर बढ़े क्यों? चलिए इस पर बात करेंगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी नीतियां जिम्मेदार है, बैंक की या फिर सरकार की, नजर किसका काम है रखना इन सब पर। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं उनकी बात हम ले लेते हैं। विनीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी। हाँ जी, विनीत मरवा बोल रहा हूँ मैडम। जी जी कहिए कहिए। हाँ जी, तो मैडम जो ये जितनी भी ये अभी ये निजीकरण के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का जो ज्यादा ध्यान जा रहा है उसी का एक पहलू है कि हम लोग जो है मतलब अभी इसी में मतलब बैंकों की तरफ जा रहे हैं। इनकी अब इनकी जो ग्रोथ सेंटर है मैडम, ये अब राष्ट्रीयकरण इनका किया गया था तो उसके बाद अब इनकी जो ग्रोथ है वो मतलब उतनी अब अच्छी पीक में जा रहे थे ये बैंक सारे, तो इनको अभी इनको मतलब विलय करने की अभी कोई जरूरत ही नहीं थी।
तो आपके हिसाब से ये फैसला सही है या गलत है? मैडम मेरे हिसाब से तो फैसला ठीक नहीं है मैडम, एम्प्लॉइज के लिए भी ठीक नहीं है, खाता धारकों के लिए भी ठीक नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। एक और दर्शक झज्जर से करतार सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका करतार जी, रखें अपनी बात। हेलो जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते। ये सब जो निजीकरण हो रहा है ये तो ठीक नहीं है बैंकों का, ये सभी हर एक चीज का निजीकरण कर रहे हैं। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। इन्होंने तो पूरे डिपार्टमेंट ही निजीकरण कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, अभी आदमियों का भी निजीकरण करेंगे ये। ये सरकार तो बिल्कुल ही सरकारी चीज कोई नहीं रखना चाहती। चलिए, यानी कि आपके कहने का मतलब यह है एक एक करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से जो है वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेना चाहती है और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे करके यहाँ पर कमान और नीतियां बनाने का काम अपने लिए रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। जी अजय जी, देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ, जिस पर्पज से 1969 में नेशनलाइज करे गए थे बैंक, आज वो पर्पज कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है। 1992 के बाद प्राइवेट बैंक्स इंडस्ट्री में आते हैं, और अगर आज आप सरकारी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर करें तो इंडिया के टॉप 5 बैंक सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं, HDFC है, कोटक महिंद्रा है, और बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज वो सब दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ लॉस बेयरिंग चीजों को चलाना और सरकार के टैक्स का पैसा, ये टैक्स का पैसा सरकार का कोई निजी पैसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पर्सनल खाते से आना है, ये टैक्स। तो आपके कहने का मतलब है ये कदम उदारीकरण की ओर है, बैंकों का उदारीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, इसे निजीकरण के तौर पर ना देखा जाए? बिल्कुल ना देखा जाए। हम सुरेंद्र जी, लॉस बियरिंग बैंक्स को पैसा देकर रिकैपिटलाइज करके उनको चलाते रहेंगे, कब तक भारत सरकार के जनधन से आने वाला जो टैक्स का पैसा है कब तक वो लॉस बियरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जाता रहेगा? एक समय आएगा जब इनको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, एक समय था जब इनके राष्ट्रीयकरण की जरूरत थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज का जो दौर है, आज का जो समय है, प्राइवेटाइज सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और सरकार बैंक चलाए वो भी लॉस गिरिंग, कई कई हजार करोड़ के NPAs हैं, कई कई हजार करोड़ के लॉसेस हैं, उनको अगर भारत टैक्स के पैसे से भरता रहेगा तो जो रोड पर पैसा खर्च होना है, जो रेल पर पैसा खर्च होना है, जो हेल्थ पर पैसा खर्च होना है, वो पैसा इन सेक्टर्स में भी तो निजीकरण आ गया है ना, यहाँ पर भी तो आप प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा ज्यादा कर रहे हैं, सरकार ज्यादा भरोसा कर रही है। मैं सेक्टर्स के नाम आपने गिनाए, प्राइवेट सेक्टर पर सिर्फ हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात तो मनमोहन सिंह खुद किया करते थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारे शब्द आपको सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं जब ग्लोबल मार्केट में आप कांग्रेस की नीतियों को लागू करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें नीति, मैम आप देश का फायदा या नुकसान ही तो इन्वेस्ट करेंगे ना। कल एक चीज देश के फायदे में थी वो करी गई, आज एक चीज देश के फायदे में है वो करी जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना एक चीज हो गई तो उसी धर्रे पर चलती रहेगी। सुरेंद्र जी, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये जो कदम उठाया जा रहा है अब ये फायदे की तरफ ले जाएगा या फिर नुकसान की तरफ, क्योंकि अजय शेरावत जी का कहना है कि अभी जितना नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है बैंकों की तरफ से, जो NPA का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है बैंकों के ऊपर, उसे वहन करना जो है समझदारी की बात नहीं है, और इसलिए ये जो है कदम उठाया गया है ये उदारीकरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये उदारीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता जो शेरावत जी जिक्र कर रहे हैं लॉस का, भाई सरकारी बैंकों में लॉस है। मैं उसमें पंजाब नेशनल बैंक, जो मैं पंजाब नेशनल बैंक से आता हूँ, मैं पंजाब नेशनल बैंक का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2018 में, फरवरी 2018 में, आप सबको याद होगा कि नीरव मोदी जी जब भाग गए थे यहाँ से लोन लेके, 14,500 का लोन हमारा NPA हो गया था, 31/3/18 में पंजाब नेशनल बैंक लॉस में आ गया था। लेकिन हम सरकारी बैंकों में इतनी क्षमता है, थोड़ा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली, हमें कैपिटल मिली, एक साल के अंदर अंदर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 31/3/2019 में पंजाब नेशनल बैंक फिर से प्रॉफिट में आ गया था। तो इस सरकारी बैंकों की क्षमता को कम ना आता जाए, सरकारी, ये सरकारी बैंक ही है जिन्होंने 35 करोड़ जनधन के खाते खोले हैं, ये सरकारी बैंक ही है जिन्होंने नोटबंदी कामयाब करी, एक एक मतलब रात रात तक जाकर हमने लोगों तक नोट पहुंचाए हैं, ये सरकारी बैंक ही है जिन्होंने मुद्रा लोन बांटे, ये सरकारी बैंक ही है जो अभी कोरोना में 20 लाख करोड़ का जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज दिया था उसमें से 80% हिस्सा सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया गया है। हाँ, प्राइवेट बैंकों का ठीक है, प्राइवेट बैंकों में क्योंकि वो मैनेजमेंट जो है बिल्कुल वो उनको बहुत लिबर्टी होती है तो वो खुद अपने फैसले ले लेते हैं,
एक प्राइवेट बैंक की अपनी, हमें सरकारी बैंकों को सरकार की तरफ देखना पड़ता है, कोई भी फैसला हम सरकार से कंसल्ट बिना नहीं ले सकते, इसलिए हमारी वो लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ तो बैंकों के ऊपर बढ़ते कर्जा और एनपीए के लिए बैंकों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, आप कह रहे हैं कि सरकार के आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं लेते हैं। देखो आंकड़े आंकड़े गवाह हैं कि 87% जो एनपीए है यहाँ पर कॉरपोरेट हाउसेज का है, बड़े बिजनेस घरानों का है, जो छोटे हमारे वो है मजदूर है किसान है उनका एनपीए ज्यादा नहीं होता है, वो कॉरपोरेट घरानों का 87% एनपीए है और वो उनका हमें जो सरकार की नीतियां हैं जो, क्योंकि बैंक को अपना एनपीए पूरा करना है अपनी रिकवरी करनी है उसमें कुछ हमें सेक्रीफाइस करके कुछ राइट ऑफ करके वो माफ करके हमें वो रिकवरी दिखानी पड़ती है अपनी बैलेंस शीट करेक्ट करने के लिए। तो ऐसा कहना कि भाई ये लॉस बेयरिंग के लिए हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पहला सरकारी बैंक होगा जो भी ये सरकार अगले वित्त वर्ष में करने जा रही है, क्योंकि सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया बजट में कि दो बैंक इनमें से वो किए जाएंगे प्राइवेट किए जाएंगे, अब वो दो बैंक चार में से कौन से होंगे ये भी नाम अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन ये दो ये चार के चार बैंक नुकसान में नहीं है जिनका नाम लिया गया, चार के नुकसान में नहीं है, लेकिन फिर भी निजीकरण या कह लें कि उसका विलय जो है वो किया जा रहा है, वजह क्या है इस पर मैं बात करूंगी आपसे, कुछ दर्शक जुड़े हैं विकास हमारे साथ खासियाबाद से। विलय तो मैडम समझ में आता है, एक मिनट लूंगा, विलय हेलो, विलय अभी भी हुआ है, 20 से 12 बैंक रह गए और राष्ट्रीयकृत बैंक 12 है और प्राइवेट बैंक 21 है, और प्राइवेट बैंकों की जो पूंजी है छोटी है, अभी आपको यस बैंक की बात याद होगी, यस बैंक फेल हो गया था, ग्राहकों को पैसा नहीं मिला था, 2500 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ने देकर यस बैंक को खरीदा जी। तो प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से कहां मजबूत हो सकते हैं, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है, यस बैंक आपको याद होगा, कभी कभी प्राइवेट बैंकों में आपको सुनना भी जी। सुरेंद्र जी मैं आऊंगी इस पर और आपसे ज्यादा इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गड़बड़ झाला है ये है क्या, क्यों इसका विरोध इस कदर हो रहा है और सरकार फिर भी क्यों अपने इस फैसले को सही ठहरा रही है। विकास हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं, स्वागत है आपका विकास, रखिए अपनी बात। मैडम ये हमें ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार की जो निजीकरण बैंकों का निजीकरण कर रही है उसका क्या फायदा, पब्लिक को आम नुकसान है, किसानों को नुकसान है, हर चीज को नुकसान है, अपने पूंजीपतियों के लिए फायदे के लिए कर रही है, तो ये इनसे क्या पब्लिक को क्या मैसेज जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जुड़े हैं रोहतक से, स्वागत है आपका अनिल जी, रखें अपनी बात। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि बैंकों का है और रेलवे का है या किसी भी का है, जो ये सरकार है सब कुछ प्राइवेट कर रही है, तो इसे क्या साबित करना चाह रहे हैं? अगर आप प्राइवेटाइज की अजय अजय जी, अगर आप प्राइवेटाइज चीजों को इतनी दुश्मनी भरी निगाहों से देखेंगे कि भाई प्राइवेटाइज कर दिया तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दिया, प्राइवेटाइज में बेटर फैसिलिटी मिलेंगी, किसी की जॉब तो जा नहीं रही है, वो जॉब यूं की हुए हैं, अगर आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको इंसेंटिवाइज भी करा जाएगा, आज आप प्लेन्स में चलते हैं वो तो प्राइवेटाइज है, वो आपको अच्छे लगते हैं, आप टेलीकॉम सर्विसेज यूज करते हैं वो प्राइवेटाइज है, आज से पहले तो सरकारी जब गाड़ियां होती थी 2 गाड़ियां निकलती थी, आज सारी प्राइवेटाइज गाड़ियां आप खरीदते हैं, वो अभी तक जितनी भी आपने बात की वो चीजें कितने लोगों की रीच में है। अजय जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, जितनी प्राइवेटाइज चीजें हैं आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं, नहीं क्या यहाँ पर एक लोअर क्लास प्राइवेटाइज है, मिडिल क्लास जो है क्या वो इन सब चीजों तक अपनी पहुंच रखता है जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, और ये जो बिना किसी उसके चीजों पे दाम बढ़ते हैं, यहाँ पर फीस बढ़ा दी जाती है, उस पर कितना कंट्रोल सरकार का रहेगा या रहता है? आप एक बात समझिए, एक जो बैंक है कैसे चलता है, जो पीएसयू बैंक है कैसे चलता है, पीएसयू बैंक में या तो स्टेक होल्डिंग स्टेट की या सेंटर की 51% के ऊपर की होती है, इसका मतलब क्या है कि उनकी सैलरी देनी है तो सरकार को देनी है, अगर वो बैंक घाटे में जाता है तो उस बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए भी सरकार को पैसा देना पड़ता है, वो पैसा कहाँ से आता है, सिर्फ टैक्स के पैसे से, मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूँ, ये सिर्फ टैक्स के पैसे से अगर हम बार बार रिकैपिटलाइज करके बार बार इन्फ्यूजन करके जो कि हम पुराने सालों से करते भी आ रहे हैं, कितने बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन किया भी गया, आरबीआई ने अभी भी अनाउंस किया है कि 3-4 बैंकों में 14 आपके कहने का मतलब ये है कि गैर जरूरी खर्चों को खत्म करने के लिए, घाटे से उबरने के लिए, कर्ज को खत्म करने के लिए, कर्जदारी को खत्म करने के लिए सरकार का ये कदम है। सुरेंद्र जी मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आप दे दें। आप मुझे कहने तो दें मैम, एक बार पूरी बात खत्म जी जी जल्दी अजय जी अपनी बात खत्म कीजिए। अगर आप प्राइवेटाइज को इतनी दुश्मनी भरी निगाहों से देखेंगे, और मैं कुछ दिनों से आजकल नाम सुन रहा हूँ अंबानी अडानी और ये सब, ये आपके देश के ही बिजनेसमैन है,
ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो है नहीं, आपके देश का बिजनेसमैन अगर ग्रो करता है और आपके देश का बिजनेसमैन चीजें अच्छी चला रहे तो क्या उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसको दुश्मनी भरी निगाहों से जनक दिए? सुरेंद्र जी, सोशलिस्टिक अप्रोच अब बन गई है। आप क्या चाहते हो, बैंक हम कैसे चलाएं? ये बैंक घाटे करते रहे और इन बैंकों को पैसा देते रहे, पैसा सरकार का नहीं है हम चला लेते हैं लेकिन टैक्स का पैसा ही जा रहा है, फिर आप ये मत बोलिएगा ईस्टर्न पेरिफेरल रोड। सुरेंद्र जी जल्दी से जो बात अजय शाह जी कह शेरावत जी कह रहे हैं मैं चाहूंगी उस पर जवाब देते हैं। और ये भी मैं चाहूंगी जानना कि जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर नुकसान नहीं है फायदा बता रही है सरकार इस कदम में, तो फिर बैंक कर्मचारियों को क्यों नुकसान दिखाई दे रहा है? जल्दी से। हम बैंक कर्मचारियों को इसमें नुकसान यही दिखाई दे रहा है, जो आम आदमी की पहुंच है वो प्राइवेट बैंक में नहीं है। प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए 10,000 रुपए की राशि चाहिए, जो हम पंजाब नेशनल बैंक या बाकी सरकारी बैंक है कि जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं। और आम दुकानदार है, अभी हमने पीएम स्वनिधि की आपको जानकारी होगी, 10,000 रुपए का आम रेडी वाले को लोन दिया है, किसी प्राइवेट बैंक ने लोन नहीं दिया है। अब ये अगर आम आदमी की तरक्की चाहिए, आम जनता का विकास चाहिए, तो सरकारी बैंक ही कर सकते हैं, सरकारी बैंक ये करते रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है। तो ये जो सोच चल रही है कि इनका लॉस को टालने के लिए इनको प्राइवेट किया जाए, इसमें और लॉन्ग रन में पंजाब मतलब पूरे बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी और भारत देश का विकास रुक जाएगा, मेरा तो ये कहना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त की बेहद कमी रही नहीं तो हम इस पर और ज्यादा आगे बातचीत करते। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण महज एक शुरुआत है। अगर इन चार छोटे मझोले बैंकों के निजीकरण में सरकार को सफलता मिल जाती है तो आगामी वर्षों में कुछ अन्य बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। 4, 9 और 10 मार्च को बैंक कर्मियों की अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ बैठक हुई थी, बेनतीजा रही, जिसके बाद हड़ताल का फैसला किया गया। बैंक यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल के बाद जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी 17 मार्च को हड़ताल पर रहेंगी। ऐसे में सवाल सरकार की उस नीति और फैसले पर उठता है जिसके तहत बैंकों का विलय और निजीकरण किया जा रहा है। सरकार जिस कदम को देश और अर्थव्यवस्था के हित में बता रही है, उसी फैसले को आखिर उस सेक्टर से जुड़े लोग ही देश और देशवासियों के खिलाफ आखिर क्यों बता रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।